हाय मिंकी, क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। सॉरी यार, मेरे पास तो नहीं है। ओ एक्चुअली हेलो। वाओ, तुमने ये कैसे किया? मैं इस बुक में जो भी ड्रॉ करती हूँ वो सच हो जाता है। आई विश डांस पार्टी के लिए मेरे पास कोई पार्टनर होता। रिया गेस व्हाट, मुझे डांस पार्टी के लिए पार्टनर मिल गया। क्या सच में? मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। स्टूडेंट्स, ये रहे तुम लोग के कल के टेस्ट के रिजल्ट। हाँ, सिर्फ 45। पुअर गर्ल, तुम अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगी। मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया था, उन्होंने कहा कि हमारा पूरा घर जल गया। ओह नो, क्या सब लोग ठीक है? ओ यू पुअर गर्ल। मिंकी, तुम डांस पार्टी में किसको अपना पार्टनर बनने के लिए पूछने वाली हो? ऑब्वियसली करण। पर करण तो अदिति का पार्टनर है। ओ करण, तुम डांस पार्टी में मेरे पार्टनर बनोगे? मैं अदिति के साथ जाने वाला था पर उसका कार एक्सीडेंट हो गया। ओ, सुनकर बुरा लगा। बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा रुको, तुम्हारे लिए ये कोरियर में आया था। न्यू फोन? पर मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। पर इसमें नाम तो तुम्हारा ही लिखा था। बेटा मुझे अभी जाना होगा, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हूँ। बाय। हाय मिंकी। ओ हाय रिया, सॉरी मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ पाई, मेरे पास बहुत सारा होमवर्क। कोई बात नहीं, एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रहा है। हेलो रिया, तुम्हें तुम्हारे ही बॉयफ्रेंड के साथ चीट कर रही है। क्या? किसका कॉल है मिंकी? रिया क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हो? तो तुम्हें पता चल गया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। फिर से हेलो। अब तुम्हारा मैथ का क्विज होने वाला है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज तुम सबका मैथ क्विज है। व्हाट द हेल। तो मिंकी बेटा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? मम्मी मुझे कुछ वेट कॉल। हेलो, इसके बारे में एक शब्द भी मत बोलना वरना। तो मैं क्या चूज करूँ? जब भी मुझसे कोई नफरत करेगा तो मुझे 1,00,000 रुपए मिलेंगे, या जब भी मुझसे कोई प्यार करेगा तब? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं ये चूज करूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। तो मुझसे क्या जो करना करो, क्या तुम भूल गए कि मैं तुमसे कितना नफरत करती हूँ? कोई बात नहीं, वैसे भी जितने ज्यादा लोग मुझसे नफरत करेंगे उतने ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। गाइस, सीनियर स्टूडेंट को तो देखो, ये कितनी गरीब है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हमारे स्कूल में कैसे पढ़ रही है। तुम लोगों को मुझसे जितनी नफरत करनी है तुम लोग कर सकते हो, मैं तो इससे रिच ही हो रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग हैं कौन? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। मिंकी, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? मैं होमवर्क नहीं करती सर। तुम कितनी ब्रेव हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि इसके बाद मैं तुम्हें स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा? हाँ, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी और स्कूल में चली जाऊंगी जो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। क्या कहा तुमने? मिंकी, मुझे ये कहना था कि सबकी तरह मैं भी अब तुमसे नफरत करता हूँ। ओ, तुम मुझसे नफरत करते हो? हाँ, पर मुझे इसके लिए पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? देखते हैं मेरा फैमिली नंबर क्या है। हाँ, ये तो 8 है, पर ये उल्टा क्यों है? मिंकी बेटा, मुझे लगता है कि ये उल्टा है, तुम्हें इसे ठीक करना होगा। इससे पहले तुम्हारे फ्रेंड्स को ये लगे कि तुम्हें गलत नंबर मिला है। ठीक है मम्मी, मैं इसे अभी चेंज करके आती हूँ। मम्मी, मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया, अभी 8 ही दिख रहा है। पर मम्मी, अगर मैंने इसे उल्टा ही छोड़ दिया होता जैसे ये पहले था तो क्या हो जाता? बेटा, हमारा फैमिली नंबर 8 है, तो अगर तुम इसे उल्टा ही छोड़ देती तो लोगों को लगता कि तुम्हारे पास कोई फैमिली है ही नहीं। ठीक है मम्मी, अब मैं स्कूल जाती हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। मेरा फैमिली नंबर 1 है और मेरा 5। और मिंकी, तुम्हारा फैमिली नंबर क्या है? मेरा फैमिली नंबर 8 है। 8, इसका मतलब है कि हमारे स्कूल में किसी को भी इन्फिनिटी नहीं मिला। इन्फिनिटी? ये इन्फिनिटी क्या है? तुम्हें सच में नहीं पता कि इन्फिनिटी क्या होता है? हाँ, ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे इन्फिनिटी मिला हो। क्यों? क्योंकि जिसे भी इन्फिनिटी मिला होगा वो क्वीन की बेटी है और मैं उसकी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। क्वीन की बेटी? हाँ, पर ये इन्फिनिटी दिखता कैसा है? ऐसा। हाँ, ओके 3, 2, 1। ओ नो बेटा, आज के बाद तुम कभी बोल नहीं पाओगी, और अगर तुमने बोला तो कुछ बुरा होगा, तुम समझ गई ना? ओ हाय मिंकी, तुम्हें पता है मेरा रोल इतना बुरा नहीं है, मुझे बस इतना करना होगा कि मैं कभी ब्रोकली नहीं खा सकती। और तुम्हारा रोल क्या है? तुम बोल नहीं सकती, मेरे ख्याल से ये आज तक का सबसे बुरा रोल है जो किसी को मिला हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, चलो क्लास में चलते हैं। मिंकी तुम बताओ, क्वेश्चन 8 का आंसर क्या होगा? अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सर रुकिए, उसका रोल है कि वो बोल नहीं सकती। ओ सॉरी मिंकी, चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। बेटा तुम आ गई, तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? अच्छा नहीं था, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी, आई एम सो सॉरी। हे, तुम ही वो लड़की हो ना जिसे रूल मिला है कि वो बोल नहीं सकती? मुझे कैसे पता? वेल, क्योंकि मेरा भी रूल यही है और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इस रूल से छुटकारा पाने में। हाँ सीरियसली, एक क्रॉप टॉप?
लगता है मेरा और मिस वुडमिट का स्टाइल सेम है, पर मैंने आज से पहले किसी लड़के को क्रॉप टॉप पहनने कभी नहीं देखा। ओह माय गॉड मिंकी, तुम ये नहीं पहन सकती, ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग है। और तुमने अपने सोलमेट से मैचिंग कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? मैं अपने सोलमेट के जैसे कपड़े ही पहन रही हूँ, वो आज यही पहनने वाला है। क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? हाय मिंकी। हाय रिया। तो तुम्हें मेरे कपड़े कैसे लगे? वो क्या तुम्हारी टी शर्ट पे तुम्हारे डैड की पिक्चर है? हाँ, पर इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने सेम अपने सोलमेट के जैसे कपड़े पहने हैं। पर तुमने क्या पहना है? मैंने ये पहना है। क्या तुम सीरियस हो? ये क्रॉप टॉप है, हालांकि ये काफी अच्छी लग रही है। तो तुमने क्या सोचा है, तुम अपने सोलमेट को कैसे ढूंढोगी? मुझे नहीं पता यार, उसे ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे स्कूल में कोई भी ऐसे कपड़े पहनेगा। मिंकी तुमने ये क्या पहना है? जाओ जाकर इसे चेंज करो। पर सर अगर मैंने ये नहीं पहना तो मैं अपने सोलमेट से मिल नहीं पाऊंगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत जाकर इसे चेंज करो। यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि टीचर ने न्यू स्टूडेंट को बहुत डांटा है। मैं भी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके स्कूल बुलाता हूँ, तुम ये नहीं पहन सकते। पर सर मैंने ये कपड़े किसी रीजन से पहने हैं। फिट देखते हैं मैं आज कौन सा सेंस लूज करती हूँ। टेस्ट, चलो इसी बहाने अब मैं हेल्दी खा सकती हूँ। हैप्पी बर्थडे मिंकी। थैंक यू। ये लो मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, एक मैंगो। हाँ प्लीज इसे खाओ ना। पर तुम्हें पता है ना कि मैं इसे टेस्ट नहीं कर सकती। फिर भी खाओ। ठीक है। ओह माय गॉड, मैं इसे टेस्ट कर सकती हूँ। सच में? नहीं। चिंकी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मम्मी ने हमारे लिए योगर्ट बनाया है? रुक जाओ मिंकी, ये योगर्ट नहीं है बल्कि मेरा हेयर मास्क है। बच गई। ये पानी ब्लू और बबली क्यों है? हाँ मुझे नहीं पता था कि मुझे पानी का भी टेस्ट नहीं आएगा। मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुमने क्या खाया था? मैंने कुछ भी नहीं खाया था, मैंने बस उस बोतल से पानी पिया था जो आपने किचन के शेल्फ पर रखा था। कौन सी पानी की बोतल? मुझे नहीं पता, बस उसमें ब्लू और बबली पानी था। मिंकी वो पानी नहीं, हार्पिक था। हा?